मेरा नाम सुमल सोलंकी है और मैं जामशोरो से बिलोंग करती हूँ। मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बैचलर्स किया है सिंध यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है इकरा यूनिवर्सिटी डिज़ाइन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग में। मैंने आर्ट के हर मीडियम को टच किया है, चाहे वो वाटर कलर्स हों या पेंसिल कलर्स हों या फिर फैब्रिक पेंट्स हों, हैंड एम्ब्रॉयडरी हो। सिंध में क्योंकि बचपन से ही लड़की को सुई धागा या घर का काम काज कराना सिखा देते हैं, तो मुझे थोड़ी बहुत पहले एम्ब्रॉयडरी आती थी। उसके बाद जब मैंने बैचलर्स किया यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि क्यों ना आपने अपना काम का स्टार्ट लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं इस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ। कि मैंने एम्ब्रॉयडरी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश की है, एम्ब्रॉयडरी के साथ किसी का पोर्ट्रेट बनाती हूँ या पूरी एम्ब्रॉयडरी के साथ एक पेंटिंग बनाती हूँ, तो ये लोगों के लिए हैरान कन बात होती है। स्मोक आर्ट को भी टच किया है, स्मोक आर्ट जिसमें मैंने कपल पूरा ड्रॉ किया है। उसमें उसको मैंने टाइटल दिया था विश आफ्टर डेथ, और उसके नीचे हमारे बहुत एक बड़े शायर है शेख अयाज, उनकी एक शायरी मैंने लिखी थी, भी खबर ना है पर मरण का पो तो संगत जन जो असरतू रहंदियों। हमारी सिंध में ये थोड़ा सा कल्चर हुआ करता था कारोकारी का, तो उसके बिहाफ में मैंने ये पेंटिंग बनाई थी कि अगर हम इस दौर में नहीं मिल सकते या इस ज़िंदगी में नहीं मिल सकते, तो हम अगले जन्म में मिलेंगे या फिर मरने के बाद मिलेंगे। क्योंकि हम धुएँ को सिंबलाइज करते हैं हमेशा खात्मे से, कि सब कुछ ख़त्म हो गया। फर्स्ट मेरा टाइटल था सेव द बर्ड के स्लोगन से मैंने काम स्टार्ट किया था अपनी ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट में। उसमें मैंने बर्ड्स के डिफरेंट फॉर्म को दिखाया था, उसमें डिज़ाइन फॉर्म भी दिखाया था और इंजर्ड फॉर्म भी दिखाया था, हाफ डेड एंड हाफ लाइफ भी दिखाया था, और उसके बाद उसके स्केलेटन फॉर्म भी दिखाया था। क्योंकि हमारे सिंध में जब उस टाइम में रानी खेत एक डिज़ीज़ थी, मोर वहाँ पे मर रहे थे, हंटिंग होती है मोस्टली, जो साइबेरियन बर्ड्स हमारे पास आते हैं उनकी जो हंटिंग होती है, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई है। और साथ साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी भी थी, जिसमें मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं जो कि हैंड एम्ब्रॉयडरी में है। उसके साथ साथ अब मैं लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान पे ओवरऑल काम कर रही हूँ, कि जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए काम किया है उनको मैं अपने बहुत छोटे हुनर से ट्रिब्यूट पेश करती हूँ। अल्लामा इकबाल की पोर्ट्रेट मैं बना रही हूँ, उस पर मेरा काम चल रहा है, और साथ साथ मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट बनाया है, और उसके साथ शेख अयाज साहब का पोर्ट्रेट बनाया है, जी जरीना बलोच है, सरिमदाद हुसैनी साहब हैं, और मैन ऑफ ह्यूमैनिटी सरीदी साहब का पोर्ट्रेट मैंने बनाया है। डॉक्टर नम्रता की तस्वीर बींग ए वुमेन मैंने अपने आर्ट से ही रिलेटेड मैंने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, जब उन दिनों में इस बच्ची के लिए हर कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा था, उस टाइम में भी बींग ए गर्ल अपने हुनर के साथ अपनी स्किल्स के साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी करके डॉक्टर नम्रता का पोर्ट्रेट बनाया था और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। तो जब मैंने औरतों पे काम किया तो उसमें ये होता था कि मैंने वुमेन के हिडन कैरेक्टर्स पे बहुत काम किया है, औरत के छुपे हुए किरदार, जो जिसमें मैंने दिखाया था कि वो एक घोड़े की तरह भी होती है, कभी वो बिल्ली की तरह भी होती है कि अपने बच्चों के पास किसी को आने नहीं देती, और कभी कभार वो एक तितली भी बन जाती है कि वो बहुत नाजुक सी है। और उसके साथ साथ ही मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव में मैंने वुमेन को दिखाया कि वो दुनिया को क्या देना चाहती है, और वो अंदर से कितनी सेंसिटिव है, या उसका जो इर्द गिर्द का माहौल है वो उसको कैसे फील करती है। हमेशा उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि हमारे यहाँ एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो भले चाहे कितनी भी वुमेन आगे बढ़ जाए, लेकिन उसको अंदर से ये फीलिंग हमेशा रहती है कि मैं एक औरत हूँ, शायद एक रिस्ट्रिक्शंस हमेशा रहती हैं, चाहे वो कितनी भी बड़े ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाए, तो वो उस गर्दिश में उस मेहमर में सोचती रहती है मुसलसल। मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की रिसेंटली मज़ार बनाई है हैंड एम्ब्रॉयडरी में,
और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मैं, क्योंकि मेरा अभी काम चल ही रहा है, उनकी शायरी पे मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह वो मैं कुछ काम अंडर प्रोसेस है, मैं अभी शाह के रिसालों पे काम करना स्टार्ट किया है। और मुझे खुशी होती है कि मेरी पहचान मेरे काम से होती है, मेरी सुई ही मेरा ब्रश है और मेरी सुई ही मेरी पेंसिल और ये मेरे धागे मेरे सारे कलर्स हैं।